अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ गई है। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 72 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में होंगे। यूपी में अगले 13 महीनों के अंदर दुनिया के दो सबसे बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा प्रयागराज माघ मेला और महाकुंभ के लिए भी तैयार है। बीजेपी ने धार्मिक के साथ राजनीतिक मोर्चे पर जीत हासिल करने का क्या पूरा प्लान तैयार किया है? पार्टी का फोकस उन 16 सीटों पर है जहां 2019 में उसे हार मिली। मोदी योगी की जोड़ी ने वो सारे समीकरण सेट कर लिए हैं जिससे इंडिया गठबंधन के लिए यूपी की राह बहुत मुश्किल हो गई है। उधर यूपी में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का पहला फॉर्मूला सामने आ गया, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को जितनी सीटें दे रहे हैं, क्या कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? क्या जयंत चौधरी 5-7 सीटों पर मान जाएंगे? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ गंगा पूजन कर रहे हैं। माघ मेले और महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी की भव्यता बढ़ा दी है। यूपी की ये तस्वीरें पिछले 9 सालों में बदली। यूपी की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान दिलाने की कमान मोदी और योगी ने संभाली। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, तो 2025 में दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। यानी 2 साल के भीतर दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्यक्रम यूपी में होने जा रहे हैं। यूपी को तो इसका फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा? 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए, 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसके एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहां पर कार्य कर रही है। यूपी में 2024 के जंग की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई। एक तरफ बीजेपी, अपना दल निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी और कांग्रेस। मायावती अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो सवाल यह है कि किसका खेल खराब करेंगी? बीजेपी के पास ऐसा क्या प्लान है जिसके सहारे वो यूपी की सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रही? बीजेपी ने ऐसा कौन सा होमवर्क किया है जिससे उसको उम्मीद कि 2019 में हारी 16 सीटों पर 2024 में उसका कब्जा हो जाएगा? बीजेपी के पिटारे में क्या है, समझिए। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ, मथुरा। बीजेपी को तो इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन बीजेपी के प्लान का ये बस एक हिस्सा है। दूसरे हिस्से में क्या है? दूसरे हिस्से में मोदी की गारंटी, लाभार्थी फैक्टर, योगी का बुलडोजर, बूथ जीतो मंत्र, महिला सशक्तिकरण, जातिगत समीकरण। बीजेपी ने जो 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा, वो इसी फॉर्मूले से पूरा हो सकता है। योगी आज प्रयागराज से पहले कौशाम्बी पहुंचे, तो इसका सियासी संदेश समझिए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कौशाम्बी सीट पर जीत हासिल की, लेकिन अंतर करीब 38,000 का ही रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी जिले की सभी 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें बीजेपी से छीन ली। कौशाम्बी लोकसभा में आने वाली 5 सीटों पर
बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। खुद केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी को मिशन 80 पूरा करने के लिए सबसे पहले पूर्वांचल के ही समीकरण को सही करना होगा।